आधारशिला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। सभी को नमस्ते। भारत सरकार द्वारा सभी आंगनवाड़ियों में इस साल से आधारशिला पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 3 से 6 आयु की बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर प्रकाश डालता है। इस पाठ्यक्रम में कुल 6 अध्याय दिए गए हैं, जिनके नाम हैं: अध्याय 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पृष्ठभूमि, अध्याय 2 प्रारंभिक वर्षों में बच्चे कैसे सीखते हैं, अध्याय 3 प्रारंभिक वर्ष कक्षा पाठ्यचर्य दृष्टिकोण और योजना, अध्याय 4 प्रारंभिक शिक्षा और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विचार, अध्याय 5 साप्ताहिक खेल आधारित कैलेंडर, अध्याय 6 खेल आधारित गतिविधियों का संग्रह। आइए हम मिलकर हर अध्याय को समझते हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पृष्ठभूमि। इस अध्याय में सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां और आंगनवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग राज्यों ने अपनाए भिन्न अभ्यासक्रमों के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही अन्य देशों तथा भारत में किए गए ECCE कार्यक्रम द्वारा बच्चों की शिक्षा पर होने वाले प्रभाव पर भी बात की गई है। अध्याय 2 प्रारंभिक वर्षों में बच्चे कैसे सीखते हैं। यह अध्याय बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए आवश्यक पूर्व तैयारी के बारे में जानकारी देता है। साथ ही बच्चों को सिखाने की रणनीतियां, तकनीक जैसे बच्चों को कैसे सिखाएं, सीखने की प्रक्रिया में खेल का महत्व और मूल्यांकन के बारे में जानकारी देता है। अध्याय 3 प्रारंभिक वर्ष कक्षा पाठ्यचर्य दृष्टिकोण और योजना। यह अध्याय आंगनवाड़ी केंद्रों में दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देता है, जिसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने और सीखने की क्षमताओं को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। यह दिन को 3 ब्लॉक में विभाजित करता है, जैसे ब्लॉक 1 स्वागत और खेल, ब्लॉक 2 खेल और सीख और ब्लॉक 3 प्रतिबिंब और विदा। अध्याय 4 प्रारंभिक शिक्षा और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विचार। यह अध्याय कक्षा और समाज में लैंगिक समानता, आचरण संबंधित मुद्दों और दिव्यांग बच्चों को दिए जाने वाले अवसरों के बारे में जानकारी देता है। यह समाज और शिक्षकों को विकलांग बच्चों के बारे में संवेदनशील बनाता है, उन्हें कक्षा की गतिविधियों में प्रभावी रूप से शामिल करने की तकनीकों के बारे में जानकारी देता है। अध्याय 5 साप्ताहिक खेल आधारित कैलेंडर। यह अध्याय आंगनवाड़ी में साप्ताहिक खेल आधारित कैलेंडर कैसे होना चाहिए, इसका वार्षिक ढांचा बताता है, जिसमें बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में सहजता से घुलने मिलने के लिए 4 सप्ताह, खेल के माध्यम से सिखाने के लिए 36 सप्ताह और सीखी हुई संकल्पनाओं की समझ पक्की करने के लिए 8 सप्ताह का पुनर्कथन और सुदृढ़ीकरण का नियोजन है। साथ ही बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका का महत्व समझ हर सप्ताह के लिए घर पर की जाने वाली गतिविधियां समाविष्ट की गई है। अध्याय 6 खेल आधारित गतिविधियों का संग्रह। इस अध्याय में गतिविधियों को लागू करने के लिए विस्तृत निर्देश, जिसमें बहु स्तरीय पाठ्यचर्य दृष्टिकोण पर जोर है, जिसमें सभी डोमेन में विषयगत गतिविधियों को समाविष्ट किया जाता है। यह दृष्टिकोण NCFFS 2022 में परिभाषित विशिष्ट योग्यताओं के अनुसार बच्चों की प्रगति को ट्रैक करता है। निष्कर्ष रूप में आधारशिला पाठ्यक्रम प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खेल आधारित शिक्षा और समावेशी प्रथाओं के माध्यम से रूपरेखा प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत शिक्षण दृष्टिकोण माता पिता की सहभागिता से पोषक वातावरण बनाने का सुझाव देता है, जिससे हर बच्चा बढ़ सके और अपने विकासात्मक पड़ाव हासिल कर सके।